वाजपेयी जी, आपने सबको सुना, एलजेपी भी बिहार में एक प्रमुख पार्टी है, आप लोगों का इस पर टेक क्या है? जो कहा गया वो सही है, और कब तक बिहार में जात पात चलता रहेगा? क्या बिहार जात पात से आगे बढ़ेगा, या ये माना जाए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, क्योंकि धर्म से ज्यादा वहां जात पात चलती है, तो ये ऐसे बयान और सुनने को मिलेंगे? देखिए, गलत बात को आर्ग्यूमेंट करके सही नहीं ठहराया जा सकता। अभी विपक्ष के साथी जो है बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई डिफेंस नहीं है। किसने अधिकार दिया आपको गाली देने का? बहुरूपिया शब्द गाली नहीं है? कहना ये गाली नहीं है कि इनको चाय बनाना तक नहीं आता? अरे भाई, ये भी बात सर्वविदित है कि वो पिछड़ी जाति से आती हैं। हम कह रहे हैं पिछड़ी से हो, अति पिछड़ी से हो, SC हो, दलित हो, क्यों आप अपशब्दों का उपयोग करेंगे? एक तरफ तो आप समाजवादी की दुहाई देते हो कि हम समाजवाद के बड़े भारी योद्धा हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? सारी सीमाएं लांग ली आपने। नीतीश बाबू, आप सटिया गए हैं। देखो, सटियाए गए हैं, ये बातें आप अपने बयानों से सिद्ध कर रहे हैं। ललन सिंह आप सटियाने का जिक्र करेंगे, वो उसको लेकर विवाद बन जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जी नहीं, कोई भी बात नहीं बनेगा, ये फैक्ट मैं प्रूव कर सकता हूं। अब आप कहेंगे बहुरूपिया गलत है, सठियाना सही है, तो मुझे लगता है सर थोड़ा सा सभी को लिहाज करना चाहिए। सर, अब बहुरूपिया ग्रहण विरोध कर बहुरूपिया इसलिए गलत है, देखिए बहुरूपिया इसलिए गलत है, सठियाना सही है कि वो प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द यूज कर रहे हैं। 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है वो, और इस तरह से अगर आप मर्यादाएं लांगेंगे तो ये सीमा कहां पहुंचेगी? नहीं, अरविंद वाजपेयी जी, कैसे आप समाज रुपया गलत है और सठियाना से ये कैसे हो सकता है? ये तो दोहरा मापदंड हो गया सर। आप सठियाना शब्द कैसे, अरविंद जी जानते हैं नीतीश कुमार सठियाना शब्द का अर्थ क्या होता है बिहार में? जी जी, सठियाने का मतलब ये भी गाली है जो आप दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। 7 साल से ऊपर जो हो गया उसको सठियाना कहते हैं? मुख्यमंत्री जी को इस तरह की भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये भाषा और मर्यादित तक पहुंच कर आप तो समझता रहे। अरे मृत्युंजय जी, आपसे पहले मैंने विरोध किया, मृत्युंजय जी आपसे पहले मैंने विरोध किया, नीतीश कुमार जी संवैधानिक पद पर है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हमको आपको बिहारी भाषा बहुरूपिया किसके बहुरूपिया क्या कहता है? बहुरूपिया गाली है, बहुरूपिया गाली है, ये बता दीजिए। बहुरूपिया को उन्होंने, अरे डिफाइन किया उन्होंने, सठियाना गाली है। बहुरूपिया को तिवारी जी उन्होंने डिफाइन भी किया है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी आप सब मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा भाषा की मर्यादा जो है कम से कम आज तक से ऊपर की उम्र, जिसकी ये गाली है। ठीक है, मैं आज तक की तरफ से विरोध करता हूं। फर्ज बनता है गुरु प्रकाश जी बाबू का, फर्ज बनता है। ठीक है ठीक है, अरविंद जी फॉरन एक्शन ले, ठीक है फॉरन एक्शन ले ललन सिंह के खिलाफ। प्रकाश जी, गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, दो सवाल मेरे पास आपके लिए। पहला सवाल, जो यहां अरविंद जी ने कहा कि आप इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि दोहरा पैमाना नहीं होना चाहिए, एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये जो यहां पर उपाध्याय जी ने बात उठाई कि जब आप पूर्व प्रधानमंत्री के लिए रेनकोट पहनकर नहाने का इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे विषय उठाते हैं, तो फिर आप लोग वो दायरा लांग रहे हैं जिसके बाद पलटवार होता है। जैसा कहा जाता है, एक उंगली दिखाई तो चार उंगली हमारी तरफ भी होती है। गुरुप्रकाश जी, देखिए शुभंकर जी, सबसे पहले तो जो बातें अभी जी जो बातें अजय जी ने कही है, और मैं स्वागत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा है कि ललन सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए था, ललन सिंह जी ने एक मर्यादा एक सीमा लांघी है, मैं स्वागत करता हूं इस चीज का कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, और इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण पिछड़े वर्ग को, आपने सिर्फ एक व्यक्ति को गाली नहीं दिया है, आपने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अपशब्दों का उपयोग नहीं किया है, संपूर्ण पिछड़े वर्गों के मानसिकता को आपने आहत किया है, उनके उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, जो अरविंद जी ने कहा है, जो उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, धन्यवाद जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, मैं अगर मैं चाहूं तो मौत का सौदागर किसने बोला था, वहां जाने का अर्थ नहीं है। कमलनाथ जी ने दलित नेता कांग्रेस की इमरती देवी के लिए आइटम गर्ल किसने बोला था, वहां जाने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आज भी भाषा की शुचिता, भाषा का सम्मान, उसका ध्यान रखना चाहिए। हम तो शुचिता की बात करें सर, अब अगर आप दिखाएंगे कि तेरा गलत मेरे गलत निश्चित रूप से सही कर देता है, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा।